क्या चाहिए तुम्हें, मुझसे कहो। अरे तुम्हारी जबान पर लगा हुआ ताला आज खुल कैसे गया? खोलना ही पड़ा, मेरी खामोशी ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन अब तुमसे खुल के बात करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीर किसने तोड़ी है? मेरी बेटी ने। उसकी ये हिम्मत? रुको, जो कहना है मुझसे कहो। तो उसने ये तुम्हारे इशारे पर किया है? यही समझ लो, जो काम मुझे खुद बहुत पहले करना चाहिए था आज वो मेरी बेटी ने कर दिया है। गायत्री, मैं इसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। समझ रहे हो तो फिर सुनो, मैं आज अभी इसी वक्त इस पति पत्नी के संबंध से छुटकारा चाहती हूँ। मैं जानता था तुम एक दिन यही कहोगी। तुमने मुझे तड़पाया, मैं खामोश रही। तुम मेरे ही घर में बाजारों औरतें ले आए, मैं चुप रही। तुम्हारे खातिर मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया। उसका बचपन माँ के प्यार के साए में नहीं, बोर्डिंग स्कूल में गुजरा। और आज आज वो मुझसे नफरत करती है, नफरत करती है मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपना गम तो झेल लिया, लेकिन अपनी औलाद को बर्बाद होते मैं नहीं देख सकती, हरगिज़ नहीं देख सकती। अच्छा, ये ख्याल बड़ी देर से आया। मुझे आज तक दुनिया का डर था, यही सोचती रही कि मैंने तुम्हें निकाल दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं, किसी की परवाह नहीं। तुम चाहो तो सारी दौलत, सारी जायदाद ले लो, लेकिन मेहरबानी करके हमारी जिंदगी से चले जाओ। गायत्री, बड़ी बेवकूफ औरत हो तुम। मुझे इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। उसके बरक्स तुम्हारी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी, मौत, खुशी, आंसू सब मेरे रहमो करम पर हैं। और इस बात को अच्छी तरह याद रखना तुम, हाँ?